देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्भवेनिहम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान के तीन चरणों का अभ्यास कर रहे हैं हम। प्रथम, अपने मन को, विचारों को, भावों को, संवेदनाओं को, अपनी पूरी शक्ति को हम हृदय चक्र में, दोनों स्तनों के मध्य में, हृदय चक्र है, यहां पर ओंकार को विजुलाइज करते हैं। जैसे हम हाथ से ओंकार लिखते हैं, ऐसे एकाक्षर ओंकार, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ओम यह एकाक्षर ब्रह्म है। उपनिषद में ऋषि कहते हैं ओम इति ब्रह्म, ओम एक विराट व्यापक सत्ता है जो शरीर की प्रत्येक कोशिका से लेकर के मानव शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स है। एक एक सेल में थ्री बिलियन बेस पेयर्स का डीएनए है, जीन से क्रोमोसोम्स है। एक एक कोशिका में, एक एक क्षण में, एक एक सेकंड में 2 लाख से ज्यादा क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं, स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से। एक बहुत बड़ा डिवाइन सिस्टम, दिव्य विधान काम कर रहा है शरीर में। उन सेल्स, जीन्स, क्रोमोसोम्स के संघात से बनने वाले उत्तक, अवयव, टिश्यूज, ऑर्गेन्स और पूरा सिस्टम, ये पिंड है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, क्रोटोडाजोस, स्केलेटन, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक, ऑटोनॉमिक, वॉलेंट्री। शरीर में 99% क्रियाएं, शरीर में, इंद्रियों में, मन में, चित्त चेतना आत्मा में 99% क्रियाएं सहज हो रही है, उसके ऑटोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। और हम अपनी इच्छा से फिर शरीर, इंद्रियों को चेष्टा देते हैं, मन को, वॉलेंट्री सिस्टम। ये सब भगवान के विधान से काम कर रहा है। यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषम यस्य देवा यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय विषादिते मम विष्णु कर्माणि पश्यते। भगवान के दिव्य कर्मों को देखो, विष्णु जो व्यापक है, विष्णु व्याप्त, कर्माणि पश्यत, उस भगवान के दिव्य कर्मों को, विराट कर्मों को, अनंत गुण कर्म स्वभाव सामर्थ्य को देखो। ये तो व्रतानि पस्पश, भगवान के व्रतों में सब कुछ बंधा हुआ है, गुथा हुआ है, नियमित है, संतुलित है, सब कुछ इसी से संचालित है। विष्णु कर्माणि पश्यत, ये तो व्रतानि पस्पश, इंद्रस्य युज्यस्य, परम ऐश्वर्यवान है। आओ उसके साथ हम अपना सखी भाव जोड़े, उसके साथ अपना मैत्री भाव जोड़े। वो हमारा परम मित्र है, परम सखा है, परम गुरु है, परम माता है, परम पिता है। वो जगत पिता है, जगदीश्वर है, सर्वेश्वर है, हृदयेश्वर है, प्राणेश्वर है। ऐसे उस भगवान को हम अंतर्यामी को अपने अंतर हृदय में, हृदय आत्मा, हृदय चक्र
आज्ञा चक्र या सहस्रार चक्र से लेकर के पूरी सृष्टि चक्र में, सृष्टि की भी एक एक परमाणु से लेकर के कितने बड़े बड़े घटक हैं। अभी तक तो मनुष्य बुद्धि उसका पूरा अनुमान भी न लगा सकी है। इतनी महान रचना बिना बनाए कोई कुछ बनता नहीं है और बिना चलाए कुछ चलता नहीं है। तो सबका कर्ता, सबका नियंता, सबका संचालक एक परमेश्वर, उसी को ओंकार कहते हैं। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम इति ब्रह्म, ओम इति इदम सर्वम, जो कुछ है सब ओंकार में। ओम इति एतत् अक्षर विधम सर्वम तस्योपव्याख्यानम भूतम भवत भविष्यत सर्वम ओंकार एव यच्च अन्यत्रिकालातीतम तदप्योंकार एव। ओम क्रतौ स्मरौ क्लिबी स्मरौ कृतम स्मरौ, ओम प्रतिष्ठौ, उस ओंकार में हम एकाकार हो जाएं। ये ओंकार ध्यान है और ओंकार में सब कुछ है। सारे वेद, चारों वेद, ये त्रिलोक अकार में पृथ्वीलोक, उकार में अंतरिक्ष लोक, मकार में द्युलोक, सारी त्रिलोक की ओंकार में सन्निहित है। त्रयी विद्याएं ओंकार में सही समाहित है। ये त्रिगुणात्मक पूरा अस्तित्व, प्रकाश क्रिया स्थितिशील भूतेन्द्रियात्मक भोगापगार्थम दृश्य, प्रकाश क्रिया और स्थिति रूप, ये सारा अस्तित्व ओंकार में समाहित है। हम भी ओंकार में समाहित हो जाते हैं, ओंकार के साथ एकाकार। ये ओंकार है और ओंकार का ही विस्तार है गायत्री, और गायत्री का ही सार है ओंकार। ओम भूः प्रभु आ पृथ्वीलोक, भुवः अंतरिक्ष लोक, स्वः द्युलोक के स्वामी है। भूः प्रभु आ प्राण प्रदाता, भुवः दुख विनाशक, स्वः सुखदाता है प्रभु। तत्सवितुर देवस्य वरेण्यम भर्ग धीमहि, प्रभु हे सविता देव परमेश्वर, आपका दिव्य तेज इस पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ है और आपके अनंत दिव्य गुण कर्म स्वभाव से पूरा अस्तित्व होता प्रभु। आपके इस वरेण्य वर्णीय भर्ग को हम, दिव्य तेज को हम, सारी दिव्यताओं को हम अपने भीतर धारण करें प्रभु। ऐसे हमें मति दो, भक्ति दो, ऐसी शक्ति दो, ऐसी हमारी प्रकृति बना दो प्रभु। तेरी दिव्यता को धारण करें हम भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। और प्रभु हमारी बुद्धि सदा सत्य मार्ग पर चले, वेद मार्ग पर चले, शास्त्र के मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर चले, पुण्य के मार्ग पर चले, सृजन के विकास के मार्ग पर चले, दिव्यता की आरोहण हम पाए, दिव्य मार्ग पर हम चले, अष्टांग योग के मार्ग पर, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर, गुरु प्रदिष्ट मार्ग पर हम आगे चले। धियो यो न प्रचोदयात्। ओंकार या गायत्री का ध्यान ऐसे मौन होकर के करते हैं। सब मेरे साथ लंबा गहरा सांस भर करके आराम आराम से ओंकार और गायत्री का अर्थ भावना पूर्वक ध्यान करते हैं। ओ लंबा गायत्री मंत्र भी धीरे धीरे बोलना, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपः तदर्थः। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देव
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये तो बंद आंखों से ध्यान हुआ, अंतर्मुखी होकर एक स्थान पर मन को टिका के, जिसको महर्षि पतंजलि कहते हैं, मेरे साथ दोनों हाथ जोड़ करके बैठेंगे, बोलेंगे देश बंधस चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूपशून्यमिव समाधि। अब आंखें खोल लेंगे और आंखें खोल के ध्यान कराते हैं। अभी ध्यान कहां करा रहे थे? हृदय चक्र में, दोनों स्तनों के मध्य हृदय चक्र में ध्यान करा रहे थे। आज्ञा चक्र में भी कर सकते हैं। देखो दोनों स्तनों के मध्य ये हृदय चक्र है, दोनों भ्रुवों के मध्य ये आज्ञा चक्र है, और इसके ऊपर जहां बिंदिया सी लगाते हैं ये है भ्रिकुटी, क्या है ये, और जहां शिखा रखते हैं ये है सहस्रार, इसको ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, सहस्रार और ब्रह्मरंध्र भी इसको कहते हैं। आठ चक्र है। रीढ़ की हड्डी के मूल में बाई ओर सीढ़ा, दाई ओर से पिंगला, बीच में से सुषुम्ना, और इसके साथ जुड़ी हुई मुख्य 101 नाड़ियां, शतम च एकार्धस्य नाड्यः तासां मूर्धानम् अविनिसृतैका तया ऊर्ध्वमायन अमृतत्वमेति विश्वंगन्ने उत्क्रमणे भवन्ति, विश्वंगन्ने उत्क्रमणे भवन्ति। 101 नाड़ियां जुड़ी हुई है। बाई ओर से रीढ़ की हड्डी के कौन सी नाड़ी जुड़ी है बच्चों? ईड़ा। दाई ओर से पिंगला, बीच से उसमें मुख्य 101 नाड़ियां, और उसके साथ जुड़ी हुई 72,72,10,201। कितनी? 72,72,10,201 नाड़ियां जुड़ी हुई। और उसी के साथ ही जिसको आजकल अंग्रेजी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफ्रेंट नर्वस सिस्टम कहते हैं, पूरा मेरुदंड, और उसके साथ हमारे सारा का सारा शरीर का तंत्र जुड़ा हुआ है। शरीर तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, पाचन तंत्र, हृदय तंत्र, श्वसन तंत्र, सारा शरीर तंत्र, स्केलेटन, सारा उसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो मूला, रीढ़ की हड्डी के मूल में मूलाधार, रीढ़ की हड्डी के मूल में क्या है बच्चों? और उससे थोड़ा सा ऊपर है स्वादिष्ठान, उससे थोड़ा सा ऊपर क्या है? और नाभि के पीछे है मणिपुर, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ जो शक्ति का केंद्र है क्या है? दोनों स्तनों के मध्य हृदय, फिर यहाँ कंठ के पीछे विशुद्धि, फिर यहाँ भ्रुवों के मध्य आज्ञा, फिर इसके ऊपर जहाँ तिलक रखते हैं भ्रिकुटी, और यहाँ सहस्रार ब्रह्मरंध्र। अष्टाचक्रानव द्वारा देवानाम पूरायुध्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषामृत। एक बार की अयोध्या है जहाँ राम पैदा हुए थे, और ये भीतर की अयोध्या है जिसमें रहने वाले हर आत्मा राम की तरह ही मर्यादित है, सीता की तरह ही पवित्र है, सब ऐसे हैं। तो ये शरीर की अयोध्या है। तो धारणा यहाँ की हृदय चक्र में, देश बंध चित्त से धारणा, देश मने स्थान, बंध मने ठहरना, चित्त से मने चित्त का, ये धारणा, चित्त को यहाँ ठहरा दिया, या क्या हो गई? धारणा। क्या हो गई? तत्र वहां प्रत्यय ज्ञान की, एकतानता एक रूपता, यहां ओंकार के ज्ञान की, और ओंकार के ज्ञान में ही सब ज्ञान सहित है, सब ज्ञान का आधार, सब संवेदनाओं का आधार। हमारे पास में भी तीन ही शक्ति है मूल रूप से, मस्तिष्क में ज्ञान शक्ति, हृदय में भाव शक्ति, और हाथ कर्म शक्ति के, क्रिया शक्ति के प्रतीक है। तो सारे ज्ञान के, सारे संवेदनाओं के, सारे सामर्थ्य के आधार परमात्मा है, और उसके ज्ञान में हम भी ज्ञानमय हो जाएं, तो उसी में समाहित हो जाएं कि सब कुछ का आधार परमात्मा है। तत्र वहां प्रत्यय एकतानता, आत्म ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, भगवान की उपस्थिति की के साथ एक रूपता, तन्मयता, एकात्मता, ये ध्यानम। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। उस भगवान में इतने खो जाएं कि उसी से सब कुछ है,
भगवान से ही सब कुछ है, भगवान का ही सब कुछ है, भगवान के लिए ही सब कुछ है। ऐसे उस भगवान में, उसके प्रेम में, भगवान की प्रीति में, क्योंकि सबसे वो प्रेम करता है, और भगवान के ऐश्वर्य में, भगवान के आकर्षण में, भगवान के आलंबन में, आश्रय में हम पूरी तरह खो जाएं, तद एव अर्थमात्र निर्भासम, बस उपस्थिति मात्र है उसकी, उसकी उपस्थिति सर्वत्र है, भीतर बाहर विश्व में, विश्वातीत रूप में, और उसमें खो गई ध्यान। तो ये तो बंद आंखों से किया, अब खुली आंखों से कराते हैं। और आज हृदय चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार ब्रह्मरंध्र चक्र से लेकर के पूरे सृष्टि चक्र में वही तो है, उसी का विस्तार है। तो अब खुली आंखों से ध्यान कराते हैं। तो एक तो बंद आंखों से ध्यान किया, और खुली आंखों से ध्यान ये होता है बच्चों कि सब रूपों में, सब स्वरूपों में भगवान को ही अनुभव करना। कैसे? फिर दिमाग में तुरंत आता है, सारे रूप तो अलग अलग है, एक पुरुष का रूप है, एक स्त्री का रूप है, एक बेटी का रूप है, छोटी है तो फिर बड़ी होती है तो माँ का रूप होती है, फिर एक स्त्री के भी बहुत रूप हो जाते हैं, सास का रूप होती है, दादा दादी का रूप होती है, नाना दादी का रूप, नानी का रूप, तो ये तो स्त्री दिख रही है, उसमें मातृत्व दिख रहा है, पुरुष में पौरुष दिख रहा है, फिर अलग अलग मनुष्य और मनुष्य के अलावा जो भी कुछ है, मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत में, ये तो अलग अलग चीजें दिखती हैं, तो हैं अलग अलग चीजें, लेकिन इन इन सब के भी पीछे भगवान का प्रत्यक्ष कैसे है? कोई रचना मनुष्य नहीं बनाता, कोई भी नई रचना कौन नहीं बनाता बोलो? मनुष्य। मनुष्य एक स्किन के सेल बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। क्या कोई ब्लड सेल बना सकता है? आजकल बड़ी बड़ी सुई से लेकर हवाई जहाज तक, सैटेलाइट तक सब कुछ बनने लग गया है, लेकिन खून बनाने की कोई फैक्ट्री है? दूध बनाने की कोई फैक्ट्री है? दूध पैकिंग होके तो आ सकता है किसी यूनिट के अंदर, दूध बनाने की कोई फैक्ट्री? दूध कहां बनता है? गाय भैंस और जो भी दूध देने वाले पशु हैं उनके स्तनों में बनता है। कहां बनता है? ऊंध में, स्तन में बनता है। कौन बनाता है? किससे बनता है दूध? घास से, चारे से। घास कैसी होती है और दूध कैसा? ये कलरिंग किसने कर दी है? कोई गोमाता ने की, भैंस अंटी ने की, किसने की? दूध हरी हरी घास, सफेद सफेद दूध, ये किसने बना दिया? तो हम दूध को देखते हैं तो हमें दूध में भी उस भगवान की रचना दिखती है, क्योंकि दूध को दूध बनाने वाला भी भगवान ही है। तो रचना के पीछे किसको देखना? रचयिता को। रचना के पीछे किसको देखना? हर हर आकार के पीछे, हर स्वरूप के पीछे उस परमात्मा की शक्ति है, उसी का ज्ञान है, उसी का विधान है, उसी का ऐश्वर्य है। लोग छोटी छोटी चीजों में आकर्षित हो जाते हैं, तो सबसे बड़ा आकर्षण है भगवान का। बोले सबसे बड़ा आकर्षण किसका? सबसे बड़ा रचनाकार प्रभु। छोटी छोटी चीजें बनाता है आदमी, तो घड़ी बना दी, पेन बना दिया, गाड़ी बना दी, हवाई जहाज बना दिया, ये सारा ब्रह्मांड जिसने बनाया और सबके भीतर वही समाया। तो ऐसे उस भगवान को सब में प्रत्यक्ष देखना। सब स्वरूपों के पीछे ब्रह्म का ही स्वरूप है, सब संबंध भी उसी ने बनाए, माता के, पिता के, गुरु के, मित्रों के, और इस संसार के साथ, विदेश के साथ हमारा नागरिकों का संबंध है, सबके साथ संबंध भी उसी के, और उसी के नाते हमें काम करना है। सारी सृष्टि काम कर रही है, भगवान खुद कितने बड़े बड़े कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं, इसलिए हमें भी रचना धर्मी बनना है, हमें भी सृजनशील बनना है, हमें भी उत्पादक बनना है, सृजनात्मक, गुणात्मक, सकारात्मक बनते हुए आगे बढ़ना है। तो एक बंद आंखों से ध्यान, दूसरा सारे ब्रह्मांड में उसी भगवान का प्रत्यक्ष देखना, सारे ब्रह्मांड में भगवान का ही। इसको गीता में ऐसे कहा, यो माम पश्यति सर्वं च मयि तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्या
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा घृतः कस्यचित् सपर्यगात् शुक्रम् अकायम् अव्रणम् अस्नावीरम् शुद्धम् अपापविद्धम् कविर्मनीषिः परिभुः स्वयम्भूः याथा तथ्यतो अर्थान् व्यदधात् छाशतिभ्यः समाभ्यः। तो भगवान कैसा है? सब में वही है। तो एक भगवान का ही प्रत्यक्ष सब में देखना, एक भगवान का प्रत्यक्ष ही बोलो देखना, अनुभव करना, बस ये भगवान का खुली आंखों से ध्यान हो गया। तब सबको देखें तो क्या देखना चाहिए उसमें? भगवान को देखना चाहिए। सब दिखेंगे, ऐसे नहीं कि दिखने बंद हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि सबको बनाने वाला तो वही है ना, और वो सूक्ष्म भी है और विराट भी है। तब चलो भजन के साथ ध्यान कराते हैं, तो प्राणायाम भी होगा। इसको बोलते हैं शास्त्र में प्राणायाम का तप। बोलो, नाम मंत्र और भजन का जप, ये साथ साथ नाम ओंकार मंत्र गायत्री और जो भी भजन कीर्तन गाते हैं। तो चलो लंबे गहरे श्वास। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, और इस सारे ब्रह्मांड में जो भी कुछ हम देख रहे हैं इससे भी और विराट हो। भजन के साथ ध्यान कराते, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, ऐसे। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनमें तो कोई बीमारी तो है नहीं, ना ब्लड प्रेशर की, ना हार्ट की, ना शुगर की, ना कमर दर्द की, तो आप तो तेजी से भी कर सकते हो। प्रभु तुम मणु, प्रभु तुम मणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, प्रभु तुम से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो, प्रभु तुम मणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, प्रभु तुम मणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। दो तीन पांच मिनट स्त्री का प्रणाम करते हुए भी भगवान का ही ध्यान करना। प्रभु तुम मणु से भी सूक्ष्म हो, और तुम गगन से इस आसमान से भी और परे ही, पाद से विश्वास होता है त्रिपाद से अमृतम। और वस्त्रिका के बाद अब कपाल भाती करते हैं। भगवान को क्या मिसाल दे, किससे क्या तुलना करे, तुम अतुल्य हो, अप्रतिम हो, प्रभु तुम अनंत हो, तुम अथा असीम, पिंड में ब्रह्मांड में सर्वत्र तुम ही समाये। वस्त्रिका के बाद देखो कपाल भाती करेंगे ऐसे, और पूरे शांत चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर। चित्त की पांच अवस्थाएं हैं, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध। तो क्षिप्त चित्त वाला नहीं होना जो इधर उधर भटकता है, मूढ़ वाला भी नहीं होना जो कुछ सोचता ही नहीं है, जड़ विक्षिप्त कभी अच्छा कभी बुरा सोचता है, ऐसा नहीं, हमेशा एकाग्र चित्त रहना। एक गुरु में, एक भगवान में, एक माता पिता में, एक ज्ञान में, एक ध्येय में, एक अनिष्ठ रहना, एक अनिष्ठ
गुरुनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ, श्रद्धानिष्ठ, कर्मनिष्ठ, स्वधर्मनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ, ऐसे ये एकाग्रता में जो रहते हैं वो योगी होते हैं। कपाल भाति करेंगे, रुकना नहीं है, एकाग्रता जिसमें है वो योगी है। चाहे वो आंखें खुली हैं, चाहे आंखें बंद हैं, चाहे वो प्राणायाम कर रहा है, चाहे वो ध्यान कर रहा है, चाहे वो योगासन कर रहा है, व्यायाम कर रहा है, चाहे योगाभ्यास कर रहा है, चाहे विद्याभ्यास कर रहा है, चाहे उद्योग कर रहा है, जो कर रहा है, सब कुछ करते वो भगवान में ही है। कपाल भाति करो, तुम साधकों की हो साधना या उपासकों की उपासना, तुम साधकों की हो साधना या उपासकों की उपासना, या उपासकों की उपासना, किसी भक्त की मृदु भावना, किसी भक्त की मृदु भावना, या किसी कवि का ख्याल हो, प्रभु तुम मणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम भी मिसाल हो, प्रभु तुम मणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। ऐसे बंद आंखें करके भी, खुले आंखों से भी, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म प्रभु है और विराट से भी विराट है। इसी को कहते हैं भगवान का विश्वमय। बोलो, भगवान का विश्वाति स्वरूप व्यहवाव ब्रह्मण रूपे मूर्तम च अमूर्तम च। तो ये सारा मूर्त जो स्वरूप है ये भी भगवान का प्रत्यक्ष, मूर्त माने विजिबल, वाट एवर विजिबल थिंग्स वी आर लुकिंग, दिस इज द लाइव एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी, दिस ऑल एक्सिस्टेंस इज लाइव एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी। ये सारा जगत भगवान का ही प्रत्यक्ष है। जगत को का जो ईश्वर है उसको क्या बोलते हैं, जगदीश्वर। इस जगत के पीछे कौन है बोलो, जगदीश्वर। इस ब्रह्मांड के मूल में कौन है, ब्रह्म। इसलिए तो क्या नाम पड़ा इसका, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के मूल में कौन है, ब्रह्म है, इसलिए इसका नाम क्या है, ब्रह्मांड। इस जगत के रचयिता कौन है, जगदीश्वर। चलो कपाल भाति करते करते, चाहे आंखें बंद हो या आंखें खुली हो, सर्वत्र उसी भगवान का प्रत्यक्ष हो, ये भगवान का दर्शन है। क्या है भगवान का, मूर्त रूप में और अमूर्त रूप में, प्रत्यक्ष में भी, परोक्ष में भी, अपरोक्ष में भी, व्यक्त में भी, अव्यक्त में भी, दृष्ट में भी, अदृष्ट में भी। यही तो भगवान का दर्शन है। तो देखो, ध्यान कराते कराते क्या करा दिया आपको, भगवान का दर्शन, यही भगवान का दर्शन। कपाल भाति करते रहो, रुकना नहीं, खुले आंखों से करो या बंद आंखों से करो, सारे ब्रह्मांड में उस ब्रह्म को ही देखो। हर दिल में तेरा गान है और न्याय ही तेरा काम,
हर दिल में तेरा नाम है और न्याय ही तेरा काम। भगवान का दर्शन तो करवा दिया, पर भगवान करते क्या है और रहते कहाँ है? तो सब जगह भी रहते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे हृदय में रहते हैं। सब जगह वही प्रत्यक्ष है, तो भगवान सब जगह रहते हैं और हमारे हृदय मंदिर में भी रहते हैं और सबके लिए न्याय करते हैं, न्यायकारी, सबके कर्मों का यथा योग्य फल देते हैं और परम दयालु भी हैं, परम कृपालु भी हैं। जो भगवान के रास्ते पर चलते हैं, आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देता है ना, वही जो करते हैं, उनके ऊपर भगवान इतनी कृपा करते हैं जैसे मुझ पर प्रभु ने कृपा कर दी। मैंने योग मार्ग को अपनाया, पहले विद्याभ्यास किया, अष्टाध्यायी, धातु पाठ, महाभाष्य, व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, वेद शास्त्र पढ़े और फिर जो आत्मा में परमात्मा ने प्रेरणा दी वही किया। तो प्रभु ने मुझ पर इतनी कृपा की कि पतंजलि योगपीठ बन गया, पतंजलि का इतना बड़ा संगठन बन गया, पतंजलि गुरुकुलम बन गया। और ये तो संस्था और संगठन है, करोड़ों करोड़ों लोगों का उपकार हो गया, करोड़ों लोगों के रोग दूर हो गए, बीमारियां दूर हो गई, उनकी गरीबी दूर हो गई, दरिद्रता मिट गई। ये सब क्या है? ये भगवान की कृपा है। ये क्या है? भगवान की, भगवान की कृपा, भगवान के आशीर्वाद। तो ऐसे ही हम सबको भी भगवान के आशीर्वाद मिलते हैं। कपाल भाती करते रहे करना। हर दिल में तेरा नाम है और न्याय ही तेरा काम है, और न्याय ही तेरा काम है, सबसे बड़ा तेरा नाम है। जगपाल हो, जगन्नाथ हो, हर दिल में तेरा गान, हर समय प्रभु अंदर गूंज रहे। क्या बनकर के? प्रेरणा बनकर। जैसे हम कुछ काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो अंदर से क्या आवाज आती है? कर ले। और कोई गलत करने का सोचते भी है ना, गलत देखने का, गलत सुनने का, गलत बोलने का, गलत करने का, तो अंदर से क्या आवाज आती है? मत करो, डरो प्रभु से। हर दिल में तेरा गान गूंज रहा है, हर समय प्रेरणा देता है, संदेश देता है, निर्देश देता है, उपदेश देता है, तो बस उधर ही चलना। भगवान को मानने का मतलब है, भगवान का दर्शन तो करा दिया ना आपको। सब दर्शन किसका ही है? सब प्रत्यक्ष किसका है बोलो? ईश्वर का ही है। तो भगवान का दर्शन तो हो गया। सब कहते हैं ना जी, भगवान का दर्शन करा दिया, तो आपको दर्शन तो करा दिया, तो फिर भगवान का दर्शन करके क्या करना? भगवान की बात माननी। भगवान कहाँ देता है प्रेरणा, कहाँ देता है संदेश, निर्देश, उपदेश, आज्ञा कहाँ देता है, ऑर्डर कहाँ देता है हमारे? तो दोबारा गाएंगे हमारे भाई, कपाल भाती आप करते रहो। हर दिल में तेरा न्याय ही तेरा काम, कपाल भाती करो। हर दिल में तेरा गान है और न्याय ही तेरा काम है, हर दिल में तेरा गान है और न्याय ही तेरा काम है, और न्याय तेरा काम है, सबसे बड़ा तेरा नाम है। जगपाल हो, जगन्नाथ हो, सबसे बड़ा तेरा नाम है। जगपाल हो, जगन्नाथ हो, मैं मिसाल हूँ तुम्हें कौन सी, मैं मिसाल।
मिसाल दूं तुम्हें कौन सी दुनिया में तुम बेमिसाल हो प्रभु तुम मणु से विशुद्ध हो प्रभु तुम गगन से विशाल हो प्रभु तुम मणु से विशुद्ध हो प्रभु तुम गगन से विशाल हो विश्रम कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्यन्द्रस्य कबार भांति करते करते सब भांति भांति के जो विचार आते हैं वो भी शांत हो जाते हैं, भांति भांति के जो रोग हैं दुख हैं उन सब दूर हो जाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं सब रोगों से, सब दुखों से, सब प्रकार की दरिद्रताओं से, वैचारिक दरिद्रता, ज्ञान की भावना की दरिद्रता, सभी प्रकार की न्यूनताएं डेफिशिएंसीज सबसे मुक्त होना है और सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त होना है तो योग करें, ध्यान करें, कर्मयोग करें जीवन में। जैसे फिर ऐसे भगवान का प्रत्यक्ष करके फिर जैसे आत्मा में परमात्मा प्रेरणा देता है बस वही करें और वो ऐसा कर्म वही भगवान की पूजा। प्रवृत्तिर भूतानां येन सर्वं इदं कर्मणा तमप्यर्चे सिद्धिं विदधति मानवः वन्नवेह कर्माणि जीजि विशेषतां समः एवं तो इनान्य थे तो उससे न कर मेरे प्रति करो। मिले सूर्य को तेरी रोशनी, खिले चांद में तेरी चांदनी, मिले सूर्य को तेरी पर दया तेरी पावनी, सब पर दया तेरी पावनी, प्रभु तुम तो दीन दयालु हो। मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी दुनिया में तुम बेमिसाल हो प्रभु तुम मणु से भी शुद्ध हो प्रभु तुम गगन से विशाल हो प्रभु तुम मणु से भी शुद्ध हो प्रभु तुम गगन से विशाल हो प्रभु तुम गए।
गगन से विशाल हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। ऐसे प्राणायाम करते करते भगवान के नाम मंत्र भजन, इससे भगवान का ही ध्यान करते हैं, उस भगवान को ही अनुभव करते हैं भीतर बाहर पिंड में ब्रह्मांड में। ऐसे कपाल भाति किया, फिर अनुलोम विलोम कर लो। अब अनुलोम विलोम करते करते भी ध्यान करेंगे तो एक बताया आपको भगवान का दर्शन, भगवान का प्रत्यक्ष। दूसरा, भगवान का ऐसे दर्शन करके आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देता बस वही करना, यही जीवन है, यही भगवान की पूजा भी है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विंदति। आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देता है वही करते भी सिद्धि माने सफलता, विजय, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, निर्भयता, ऐश्वर्य। सिद्धि माने जीवन में जो कुछ हम प्राप्त करते हैं वो सारी दिव्यताओं को प्राप्त करना। तो ऐसे भगवान को अनुभव करना, भगवान का प्रत्यक्ष करना, भगवान का दर्शन करना और अपने कर्म, आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देता है वही कर्म करना और जीवन में स्वास्थ्य, सफलता, समृद्धि, ऐश्वर्य, सब प्रकार की दिव्यता प्राप्त करना। अनुलोम विलोम लय के साथ करेंगे, रुकना नहीं है। तो एक तो आपको मौन ध्यान करवाया, अब ये प्राणायाम के तप के साथ मन ही मन ओंकार का जप चल रहा है। और ध्यान चल रहा है मन ही मन, आंखें बंद करके कीजिए फिर से। भगवान का ही प्रत्यक्ष हो रहा है सर्वत्र, प्रभु तू ही तू, तू ही तू। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। प्रभु मुझे
के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता। दर्शन करो प्रभु, आप ही मुझे गाइड करो, आपकी शरणागत हूं, आपके आश्रय में हूं प्रभु। अपना सद ज्ञान दो, सद्भावों से, सत्कर्मों से, सब प्रकार की दिव्यता से मुझे युक्त कर दो। आओ अब पहली अंगुली माथे पर रखते हैं और अंगुलियां ऐसे आंखों पर, मिडल फिंगर से हल्का सा प्रेशर आंखों नाक के मूल में, कान अंगूठी से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से होगा। आज्ञा चक्र में मन को टिकाना, आज्ञा चक्र में धारणा, देशबंध चित्त से धारणा, तत्र प्रत्ययकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य समाधि। फिर से ओंकार का ध्यान आज्ञा चक्र में, लंबे गहरे श्वास, पहले नाद योग में, फिर उद्गीत के रूप में, पहले भ्रामरी, फिर उद्गीत, फिर ओंकार।
अब दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रख लेंगे, प्रथम अंगुली अंगुष्ठ के अग्रभाग आपस में मिले हुए, शेष तीन अंगुलियां सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर सीधे, मृदंड भी सीधा, समह शिरह कायो, और एक ओंकार के अलावा कुछ भी नहीं सोचना। अब योगाभ्यास करते करते हम पूरी तरह से एकात्म हो गए। शनै शनै उपरमेत बुद्ध्याधृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। एक ब्रह्म के अलावा, एक ओंकार परमेश्वर के अलावा और कोई चिंतन ना हो, ऐसा ध्यान हो। फिर मौन हो जाते। आज्ञा चक्र से लेकर के पूरे सृष्टि चक्र में यो माम पश्यति सर्वत ईशावास वासुदेव ओम सर्वम खुरुविदम ब्रह्म ओम ब्रह्मविदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चा ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च उद्भुतम् च प्रसृतम् ब्रह्मविदम् विश्वमिदम् भविष्यं प्रभवतु। तो ही ऐसे सर्वत्र एक ही ब्रह्म का प्रत्यक्ष, एक ही ब्रह्म का दर्शन, एक ही ब्रह्म की अनुभूति प्रतीत। आज चक्र से लेकर के पूरे सृष्टि चक्र में एक ही भगवान का प्रत्यक्ष, एक ही भगवान का दर्शन, मूर्त अमूर्त में, व्यक्त अव्यक्त में, प्रत्यक्ष परोक्ष में, सगुण साकार निर्गुण निराकार विश्वमय विश्वातीत प्रभु आप, हे मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा में जो आप प्रेरणा देता हो बस मैं वही करूं। अपने कर्म से तेरी पूजा को श्री ने कृतुना सम्मदे तस्व कर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धि में हर पर तेरे अंदर हे नाथ हे नारायण मैं तुझे बोलूं, सब रूपों में तेरा ही प्रत्यक्ष करूं, सब कर्म तेरी पूजा मान के करूं और जो कुछ उसका फल देता उसको तेरा प्रसाद तेरा आशीर्वाद मान करके स्वीकार करूं। दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठा लेंगे, ऐसे ही आपको मौन ध्यान भी कराया, प्राणायाम के साथ भी ध्यान कराया, भजन के साथ भी ध्यान कराया, भगवान का प्रत्यक्ष भी बताया, भगवान की पूजा भी बताई। अब सबको मुक्त और कर देते हैं, सबको मुक्त होना है ना, क्या होना है, सबको मुक्त होना। मुक्त का अर्थ क्या होता है, मुचलरी विमोचने, मुक्त का अर्थ है छूटना। मुक्त का क्या अर्थ है, तो छूटना किससे है, मस्तिष्क को किससे छुड़ाना है, अज्ञान से। मस्तिष्क को किससे छुड़ाना है, हृदय को किससे छुड़ाना है, अश्रद्धा से, और हाथों को किससे, अकर्मण्यत। तो तीन चीजों से जो मुक्त हो गए वो सदा मुक्त है, वो जीवन मुक्त है। कितने चीजों से मुक्त होना है बोलो, मस्तिष्क को किससे मुक्त करना है, हृदय को, हाथों को,
जो तीनों से मुक्त है वो जीवन मुक्त है, वो जो तीनों से मुक्त है वो इसलिए आप सब देवप्रयाग गुरुकुल के सब बच्चे आप सब जीवन मुक्त हो, क्योंकि आप अज्ञान का स्वागत आदर नहीं करते। आप अज्ञान में नहीं जीते, आप ज्ञान में जीते हो। कैसे जीते हो आप? आप अश्रद्धा में नहीं जीते हो, किस में जीते हो? आप अकर्मण्यता में नहीं जीते हो, प्रमाद में नहीं जीते हो, किस में जीते हो? पुरुषार्थ में, कर्म और पुरुषार्थ इसी में जीते हो। तो आप तो सब जीवन मुक्त हो, क्या हो आप सब? तो देखो आज हम पहले ही दिन आपको हमने तीन काम करा दिए, भगवान का दर्शन भी करा दिया, भगवान की पूजा भी बता दी और मुक्ति भी करवा दी आपकी। तो ऐसे बहुत अच्छे बच्चे हो आप, ऐसे ही पूरे देश को पूरी दुनिया को हम योग करा रहे हैं, ध्यान करा रहे हैं, उनको भी भगवान का दर्शन करा रहे हैं और सबसे कह रहे हैं बस जो आत्मा में परमात्मा प्रेरणा देता वही करो, यही भगवान की पूजा है। और सब अज्ञान से अश्रद्धा से अकर्मण्यता से मुक्त होकर के जीवो, यही जीवन मुक्ति है। ये क्या है बोलो? जीवन। तो चलो ये एक चैप्टर पूरा हो गया,